लोगों का अक्सर सवाल होता है कि यार ये NOCs and this and that और तो मुश्किल है, ऐसा है वैसा है. देखिए मुश्किल नहीं है, रेगुलेटेड है. रेगुलेटेड है तभी उसने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना. वो रेगुलेशंस क्या है कि जी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट होंगे, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स मीट होंगे. आप जो भी लगा रहे हैं, भले सो आप अपना घर बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, आप चाहेंगे यार मैं हल्की क्वालिटी बना लूँ, नहीं जी यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. तो सुहेब भाई जैसे आपने बताया आगे आपका कंस्ट्रक्शन का प्लान है, सो क्या क्या माइंड है, कितने टाइम में करना है और क्या थॉट प्रोसेस है उसके बारे में आपका? एक्चुअली हाँ, ये चीज़ मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था. अच्छा हुआ ये पॉइंट आपने खुद लिया है. दो साल ढाई साल के अंदर मैंने सोचा है कि एक्चुअली स्टार्ट करने का तो सोचा है कि डेढ़ साल में, लेकिन अगर यहाँ पर लोग भी हो जाते हैं, आबादी थोड़ी बढ़ जाती है, तो दो ढाई साल में शिफ्ट होने का भी सोचा है इंशाल्लाह. तो यस, अगर आप थोड़ी गाइड कर सकेंगे कंस्ट्रक्शन का क्या सीन है यहाँ पे, क्या रेट चल रहे हैं अभी, किस तरह से आप देखते हैं आगे कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह होंगे? सही. देखिए कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे जो सिनेरियो हुई है कि 250 यार्ड्स में आपको अराउंड कोई 8 to 9 फ्लोर मैप्स होते हैं जो कि बहरी आपको प्रोवाइड कर देता है कि ये फ्लोर मैप्स एलिवेशन कि जी आप इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं. इफ़ यू आर मेकिंग द फर्स्ट विला इन योर स्ट्रीट और इन योर ऑन योर रोड, तो यू हैव द चॉइस कि आप उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा है. However, अगर जी एक पैटर्न चलता आ रहा है स्ट्रीट में, सो यू हैव टू कंप्लाई बाय दैट पैटर्न ताकि एक सिमेट्री ना डिस्टर्ब. ठीक ठीक है. लोगों का अक्सर सवाल होता है कि यार ये NOCs and this and that और तो मुश्किल है, ऐसा है वैसा है. देखिए मुश्किल नहीं है, रेगुलेटेड है. रेगुलेटेड है तभी उसने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना. वो रेगुलेशंस क्या है कि जी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट होंगे, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स मीट होंगे. आप जो भी लगा रहे हैं, भले सो आप अपना घर बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, आप चाहेंगे यार मैं हल्की क्वालिटी बना लूँ, नहीं जी यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. आपने एक मिनिमम बहरिया स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. बहरिया के इंस्पेक्टर्स आते हैं, उसको देखते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, फिर आप अगली स्टेज पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोसीड ही नहीं कर सकते. सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, एज आई मेंशन इट इज़ रेगुलेटेड. एंड ज़ाहिर है क्वालिटी मेंटेन करनी होती है तो क्वालिटी कम्स विद द प्राइस. सो ये कुछ चीज़ें होती हैं. एंड उसमें हमारे कुछ विलास बन भी रहे 250 यार्ड्स में, आपको दिखाऊंगा अभी. तो उसमें इस तरह से लेके चलते हैं. अच्छा, इनडोर में आप क्या कर सकते हैं, इंटीरियर में क्या कर सकते हैं? जी इंटीरियर में आपको बहरिया बाउंड नहीं करता. इंटीरियर में इट्स योर होम, इट्स योर चॉइस. आपने उसमें कितने रूम्स बनाने हैं, आपने उसमें किस तरह का फ्लोर प्लान रखना है, आपने ऊपर रेंट आउट करने हैं, आपने नीचे खुद रहना है, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है 250 यार्ड्स में. तो 250 यार्ड्स में आप एक बड़ा रीजनेबल, बड़ा अच्छा आपकी एक लिविंग बन जाती है और ऑप्शन आपको मल्टीपल मिल जाते हैं उसमें. सो ये है. बाकी जो प्राइसेस की आपने बात की, तो देखिए प्राइस इज़ ऑल अबाउट के व्हाट फिनिश यू आर गोइंग टू गो फॉर. अगर आप कहते हैं कि अच्छा ये प्राइसेस ना बड़ा हाईली वेरिएबल होते हैं, तो ये है कि अब ये वीडियो बाद में भी लोग देखेंगे, तो इसलिए है कि प्राइसेस उस टाइम तक ये हो सकता है कि रिलेवेंट ना रहे, बट मैं आज कल की आपको बताया तो आपको अप्रॉक्सीमेटली कोई 3500 से लेके 4500 के रेट्स पड़ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिनिश यू गो फॉर. आप जाते हो हायर क्लास फिनिश पे तो ज़ाहिर हो महंगा होगा, आप जाते हो एवरेज फिनिश पे तो कम का होगा. तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है सारी की सारी. एंड ये सिलसिला है. बाकी क्या सवाल है आपका कंस्ट्रक्शन को लेकर? ठीक है. और आप ये मेंशन कर रहे थे कि गली में जो पहला घर बनता है उसका डिज़ाइन फॉलो करना होता है. यस ठीक ठीक. तो जितना जल्दी बनाए उतना अच्छा, जितना जल्दी चॉइसेस ज़्यादा रहेंगे. जितना जल्दी मतलब पहले आप होने चाहिए, क्योंकि वो जिसने पहला शुरू कर दिया उसका वो होता है. ऑल्दो जो भी डिज़ाइन बहरिया दे रहा है बुरे नहीं है, वो एक अच्छे डिज़ाइन है, एक खूबसूरत डिज़ाइन है, एक बड़ी अच्छी उसकी सिमेट्री बन के आती है. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू हैव ऑफ योर ओन चॉइस, गो फॉर फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें और करें इस तरह से, दिस कैन बी डन. ये है चलें जी. थैंक यू सो मच ज़ुबैर भाई एंड फैसल भाई, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज. माशाल्लाह अल्लाह मुबारक करे आपको, इसमें खुशियाँ दिखाए आपको, आपकी फैमिली को इंशाल्लाह. सो इंशाल्लाह फिर आए मुलाकात करते हैं दोबारा इंशाल्लाह. थैंक यू, जज़ाकअल्लाह.